अरे उसने ये गाने क्यों चालू कर दिए? हाँ यार, हम किसी और के घर में आए, उसको बोल जाके बंद करने के लिए। जाता हूँ। रोशन, तू यहां अंधेरे में क्या कर रहा है? तुम लोग सर यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर मैं रघु और ये सिद्धार्थ, हमारे साथ कल रात को बहुत ही अजीब घटना घटी है सर। अरे गाइस वो देखो, वहाँ पे जंगल और भी घना है। चलो भाई अब आएगा एडवेंचर का सही मजा। नहीं 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 भाई, आगे नहीं जाते, वो देख आगे शेर है, सब बोट भी है। और मैं क्या बोलता हूँ, कैंप जाके वापस मस्त तंदूरी चिकन खाते ना और सो जाते। अबे फट्टू, अबे साल हो गया ना तेरा। देख हम तो यहाँ आगे जा रहे थे, को आना है तो, वरना फट रहे यहीं पे। चल चलो हम चलते। चलो चलो प्लीज यार, हम तो जा रहे हैं, आ जाएंगे सुबह तेरी हड्डियाँ बिनने। अभी आराम से आओ। आराम आराम से। अरे ए रुको गाइस, मैं भी आ रहा हूँ। सर मैं सिद्धार्थ, वरुण और रोशन, बहुत रात हो चुकी थी और हम बहुत थक चुके थे। हमें आगे जाकर एक रास्ता दिखा, वहां पर दूर से एक लाइट ब्लिंक हो रही थी। नजदीक जाकर पता चला तो वो कोई पुरानी बाइक की लाइट थी। ये बाइक सर, वहां से हमें घर दिखा, वो काफी सुंदर था। हमने दरवाजा थोड़ा सा पुश किया तो दरवाजा अपने आप खुल गया सर। सर अंदर गाने बज रहे थे और एक विस्की का ग्लास भी था। हमने पूरा घर चेक किया लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। फिर सर हम बहुत ठंडी थी इसलिए बाहर बॉनफायर करके बैठे थे। पीछे से अचानक रोशन की चीखने की आवाज आई। हम अंदर जा ही रहे थे कि वरुण बाहर कुल्हाड़ी लेकर आया। सर हम बहुत डर गए थे और वहां से हम भाग गए। तुमने ये बात पुलिस में क्यों नहीं बताई? सर हम गए थे पर उन्होंने हमारी बात को मजाक समझकर हमें वहां से भगा दिया। उन्होंने कोई सर्च ऑपरेशन नहीं किया? नहीं सर, किया था पर ना ही हमें हमारे दोस्त मिले और ना ही हमारी बात पे कोई विश्वास कर रहा है। सर हमें समझ नहीं आ रहा कि सर हम घर कैसे जाए और वरुण और रोशन के माओ को क्या जवाब दे। सर किस ऑफिसर से बात हुई तुम्हारी वहां? इंस्पेक्टर देसाई सर। सर वसई पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर देसाई। विक्रांत सिंघल, क्या रिपोर्ट है? सर क्या बोलूं, आप हंसेंगे लेकिन यही सच है सर। सर वो लड़के लोग झूठ बोल रहे हैं, नाटक कर रहे हैं सर। कुछ भी नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। अंदर कोई घर नहीं है? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। ये पुलिस को घुमा रहे हैं सर और चार दोस्तों के बीच में शाने बनेंगे। तुम्हें कोई लाश भी नहीं मिली अंदर? नहीं सर। कल सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 15 लोग और 5 स्नीपर डॉग्स की टीम पूरा जंगल सर्च कर चुकी है सर। 12 घंटे बर्बाद कर चुकी है पर कुछ भी नहीं मिला।
एक काम करो, वरुण और रोशन के घर पे फोन करके चेक करो, शायद घर लौटे होंगे। जी सर। तब तक मैं एक जंगल का राउंड लगाता हूँ, टॉर्च दो यहाँ। सर सर आगे घना जंगल है सर, आप अकेले कैसे? आप हो ना यहाँ पे मेरे हिस्से का डरने के लिए, तो मैं क्यों डरूं? चलो उनके घर पे फोन लगा के चेक करो, मैं आता हूँ। जी सर।
देर बाद आए सर, क्या मिला आपको? अरे मत पूछिए देसाई जी, आप सुन नहीं पाओगे। एक फोटो भेज रहा हूँ आपको, उसमें एक गाड़ी का इंजन नंबर है, इस गाड़ी के डिटेल्स निकलवा। ये लीजिए आप टॉर्च। वो लड़कों के घर पे फोन किया आपने, लड़के घर लौटे? नहीं सर, अभी तक घर नहीं लौटे सर। सर ये तो रोशन की घड़ी है। रोशन की? पक्का? हाँ। फिर से डिटेल में बताओ, उस रात को एग्जैक्टली क्या हुआ था उस घर के पास? सर घर के अंदर बाहर या आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था, बस अंदर से वो ओपेरा म्यूजिक का आवाज। और सर फिर वरुण एकदम से हाथ में कुल्हाड़ी लेकर घर के बाहर आया। मैंने जैसे ही उसे देखा तो मैं और रघु हम दोनों वहां से भाग गए सर। हमने एक बार भी रोशन के लिए पीछे मुड़ के नहीं देखा। और सर हम इतने ही डर गए थे कि हम उसके लिए कभी वापस भी नहीं गए। पूरा वाक्य तकरीबन कितने बजे के करीब हुआ? करीब 9-10 बजे हुआ था सर। आई होप तुम बचपने में कोई इंपॉर्टेंट चीज मुझसे छुपा नहीं रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन जब तक मुझे कोई एविडेंस नहीं मिलता तब तक तुम दोनों ही मेरे प्राइम सस्पेक्ट्स रहोगे। नहीं, तुम समझ नहीं रही हो आदिति। वहां पे एक घर था, उसके अंदर से क्लियरली म्यूजिक की आवाज आ रही थी। मैंने खिड़की में किसी को देखा नहीं, लेकिन घर की सारी बत्तियां जली हुई थी। मैं चलकर घर के पीछे की तरफ गया, वहां पे मुझे एक घड़ी मिली। मैंने घड़ी उठाई और वापस मुड़कर देखा तो घर नहीं था। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि उस घर के अपीयर होने और डिसअपीयर होने का एक स्पेसिफिक टाइम है। मतलब मैं अभी नहीं बता सकता सर। अच्छा सुनो, देसाई आया है, मैं बाद में बात करता हूँ। सर वो बाइक की रजिस्ट्रेशन और उसके मालिक का पता चल गया है। कौन है मालिक? सर रॉबी इंजीनियर नाम का कोई आदमी है सर। रॉबी इंजीनियर? जी सर। एक चीज और सर, अभी भी ज्यादातर ये एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इस एरिया में तो रिसोर्ट भी है और यहाँ इस प्लॉट पर पहले एक घर भी बना हुआ था। बैठ। जी। ये तो वही एरिया है जहां पर हम गए थे। जंगल के बीचों बीच एक घर है, घर के मालिक का नाम है विनी इंजीनियर। ये रॉबी इंजीनियर और विनी इंजीनियर में कोई ताल्लुक है? अभी पता करना पड़ेगा सर। Yes. Robbie Injury? This is him. Vikrant Singhal, ACP Mumbai Police. Mr. ACP. Thank you. Aap? Nahi, main chai nahi peeta. Ye poison hai waise. नहीं नहीं, मतलब ये पॉइजन नहीं है, चाय पॉइजन होता है। इसलिए इसमें ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। आपके घर में और कौन कौन रहता है?
मैं रहता हूँ और मेरी माँ रहती है। आपकी फैमिली, बीवी, बच्चे? मिस्टर, इसमें मैंने शादी नहीं की आज तक। एक्चुअली हम एक विनी इंजीनियर की प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। बाय एनी चांस आपका कोई रिश्ता है उनके साथ? विनी, वो तो 25 साल पहले मर चुका है ना। हाँ मिस्टर एसीपी, वो मेरा भाई है। सगा भाई? सगा भाई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पता नहीं 25 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया। क्यों? कुछ पता नहीं। ये तो हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि उसने ऐसा क्यों किया, पर कुछ पता नहीं चला। विनी का जो कॉटेज है वहां पे अभी भी कोई रहता है या फिर बेच दिया? मिस्टर एसीपी, कॉल मी विक्रांत। विक्रांत? विक्रांत, कॉटेज है नहीं। कॉटेज था 25 साल पहले, वो कॉटेज भी चल गया, सिर्फ जमीन रह गई। हाँ, हमने एक दो बार जमीन बेचने की जरूर कोशिश की, पर उस जमीन के साथ हमारी बहुत बुरी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम वहां वापस गए ही नहीं, बस भूल गए उसको। बस आज आप आए पर तो याद आया, पर उसको हम भूल चुके हैं। मामा, 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 आप कहाँ आ रहे हो? अच्छा आओ आओ मामा, ये मुंबई पुलिस से हैं, एसीपी विक्रांत। हेलो। ये हमारा जो कॉटेज था ना, उसके बारे में पूछने आए। पर वो कॉटेज तो जल चुका है ना? You only told me, Dikra. हाँ मामा, हाँ वो जल चुका है, यही मैं उनको बता रहा था कि वो कॉटेज हमारे पास नहीं है, यही बता रहा था मैं। एक्चुअली मिस्टर रॉबी, मैं भूल गया, आपकी एक 25 साल पुरानी बाइक के पेपर्स हमें मिले। मैं एक्चुअली उस बारे में आपसे पूछने आया था। वो बाइक है अभी भी आपके पास? बाइक? हाँ बाइक, बाइक। इसमें विक्रांत, वो बाइक है नहीं, बाइक थी। अच्छा, बाइक भी थी? खैर थी तो मेरी, पर चलाता उसको भी नहीं था, बस वो उसी की बाइक थी। जब विनी के साथ सब कुछ हुआ तो ऑब्वियसली बाइक के बारे में तो हम भूल ही गए, उसको हमने कभी ढूंढा भी नहीं। ऑलराइट मिस्टर इंजीनियर, थैंक्स फॉर योर टाइम। द प्लेजर वाज ऑल माइन यार। चाय बड़ी अच्छी बना लेते हैं। अरे गुड गुड, पिया करो पर ज्यादा नहीं, रिमेंबर इट्स पॉइजन। आई विल कीप दैट इन माइंड। थैंक यू मिस्टर इंजीनियर, टेक केयर। मामा आप बैठो अपन से। भाई रुक जा, अभी नहीं रुक सकते, पुलिस वाले हमें उठा के कभी लॉकअप पे डाल सकते हैं, तेरे को उनका सिस्टम नहीं पता। अरे भाई रुक जा, और हम इस पे कर भी क्या सकते हैं? अरे खुद को बचाएंगे, अगर हम वहां से कोई भी प्रूफ ले आए ना तो रघु हम बच जाएंगे। उन सबको लगता है कि हम मजाक कर रहे हैं, सिर्फ हमें ही पता है कि उस दिन क्या हुआ था हमारे साथ। और अगर किसी और के लिए नहीं तो एटलीस्ट रोशन के लिए, हमारे दोस्तों के लिए। रघु, अगर हम नहीं करेंगे ना तो कोई और नहीं करेगा। हमें हमें वहां जाके अपने लिए प्रूफ लाना ही होगा। चल, चल। पंगा मतलब मैं बोल रहा हूँ, माना करिए, देख बाइक भी इधर है, मतलब घर भी यही कहीं होगा। चल चल रुक जा सेठ, प्लीज रुक जा। रघु तू डरपोक है, मैं नहीं, मेरे को वहां जेल में नहीं चढ़ना। सुन, मैं जा रहा हूँ वहां पे, देखो नहीं आना तुम्हारा, तू सड़ यहीं पे, मैं प्रूफ लेके आऊंगा। सिट रुक जा प्लीज, शिट 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 रुक जा प्लीज, शिट। ऐसे मत जाया कर, मुझे पोर्टल लगता है। मम्मी
सिद्धार्थ। कौन है? मुझे ढूंढो। कौन है? सिद्ध। कौन है? सिद्धार्थ। जोशी नाम लिख। जी सर। विनी इंजीनियर, रॉबी इंजीनियर का बड़ा भाई था। यस सर। 25 साल पहले उसकी मौत हुई। उसका एक मकान था जंगल के बीचों बीच जो जलकर खाक हो गया। उसके बारे में और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पूरे डिटेल्स निकाल और मुझे भेज। ओके सर। सर, एक बुरी खबर है। इस चौकी में कभी कोई अच्छी खबर लेता ही नहीं, बताओ। सर, वो लड़का सिद्धार्थ मिसिंग है। क्या? जी। कैसे? पता नहीं सर। और उसका दोस्त रघु, वही घर वाली बात दोहरा रहा है। तो कहाँ मिला? उसी रास्ते में, आज सुबह से। अभी कहाँ? बाहर बैठा है। अरे तो लेके आओ। जी। मेरे साथ। बैठ। क्या? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। जो कुछ भी है सब सच सच बता, अगर झूठ बोलेगा। सर, कल रात को सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि अगर हम रोशन और फरहान की हेल्प नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। सबको हमारी बातें मजाक लग रही थी, जैसे कि हम कोई झूठ बोल रहे हो। तो ट्रस्ट मी सर, मैंने वो घर देखा था। मैंने सिद्धार्थ को बताया भी था कि वो बाइक वहां पर थी, पर फिर भी सर वो घर की तरफ चला गया और मैं वहीं रुक गया सर। मैं पूरी रात वहीं था और सिद्धार्थ वापस नहीं आया सर। मैं सच करो, प्लीज ट्रस्ट मी सर। अब बस भी करो विक्रांत, मुझे ऐसा लग रहा है तुम मेरे सीनियर ऑफिसर नहीं बल्कि मेरे पापा। अरे अपने सिपाही का ख्याल रखना मेरा ही काम है ना, खास करके वो सिपाही जो इतना स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, सेंसिटिव है। बस बस एसीपी विक्रांत, इतनी ज्यादा तारीफ में डाइजेस्ट नहीं कर सकती। थैंक यू विक्रम। तुम श्योर हो कि रघु सच बोल रहा है? हो सकता है कि इन सब के पीछे वही हो। अदिति, अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई फिजिकल एविडेंस तो है नहीं, लेकिन वो लड़के झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि मैंने खुद उस घर को वहां पर देखा। तुम्हें एग्जैक्ट टाइम याद है जब तुमने उस घर को स्पॉट किया था? करीबन 9:30 के करीब। और जब गायब हुआ तब? मुझे ठीक से याद नहीं, मुझे रोशन की घड़ी मिली, उसमें 10 बजे हुए थे, घड़ी बंद पड़ चुकी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो घर वहां पर नहीं था। विक्रांत, वो अगर 10 बजे गायब हो, हो सकता है
अदिति रघु डेफिनेटली झूठ नहीं बोल रहा है। सिद्धार्थ वहां से 9:30 के बीच में ही गायब हुआ है। मैंने 25 साल पुराने पुलिस के रिकॉर्ड्स भी चेक किए। पुलिस को उस कॉटेज के बारे में 10 दिन के बाद पता चला, तब जब रॉबी इंजीनियर ने उस घर के बारे में कंप्लेंट लिखवाई। जब तक पुलिस उस कॉटेज तक पहुंची, कॉटेज पूरी तरह से जल गया था और सारी बॉडीज सड़ चुकी थी। मतलब 10 दिन तक किसी को पता ही नहीं चला? किसी को नहीं पता चला। विक्रांत, आई थिंक तुम्हें विनी इंजीनियर और उसकी प्रॉपर्टी की हिस्ट्री पता करनी चाहिए। वो तो मैंने जोशी को ऑलरेडी बोल दिया। मुझे लग रहा है कि मुझे आज रात को 9:30 बजे फिर से उस लोकेशन पर जाना चाहिए, उस घर के अंदर जाना चाहिए। मुझे लगता है उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है विक्रांत, तुम करोगे तो अपने मन की, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए 10 बजे से पहले उस घर से बाहर आ जाना। हाँ अदिति। विक्रांत कहाँ हो? निकले तुम उस घर से? नहीं, अभी भी घर में ही हूँ। विक्रांत प्लीज पागल मत बनो, निकलो वहाँ से, 10 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। एक मन बोल रहा है कि यहाँ से निकलो और दूसरा मन बोल रहा है कि यहीं रुक जाओ। पता तो चले एग्जैक्टली 10 बजे के बाद यहाँ पे होता क्या है, ये घर मुझे कहाँ ले जाता है। सोचो मत विक्रांत, निकलो वहाँ से। समझ रहे हो तुम मैं क्या बोल रही हूँ? प्लीज निकलो वहाँ से। मैं बाद में कॉल करता हूँ। Pick...
अदिति जिंदा हूँ। शट अप, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? डर गई थी मैं। रिलैक्स अदिति, तुम भी जानती हो कि मैं ठीक टाइम पे उस घर से बाहर निकल ही जाता। एटलीस्ट ये तो कंफर्म हो गया कि वो घर ठीक रात के 9:30 बजे अपीयर होता है और 10 बजे गायब हो जाता है। यानी कि उस आधे घंटे के अंदर ही उस घर में कुछ हुआ था जिसकी वजह से आज भी वो घर वहां आता है। एग्जैक्टली, मैं कल ही जोशी को कॉल कर रहा हूँ। तो बाय। जोशी, इंजीनियर रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, ये कंपनी विनी और रॉबी के बाप ने शुरू की थी। विनी अपने बाप का काम संभालता था, पर विनी के बाद से ये कंपनी बंद हो चुकी है। क्यों? सर, आज के जमाने में कौन रिकॉर्ड सुनता है? आजकल तो वैसे भी सीडी का जमाना है। विनी के जाने के बाद रॉबी ने कंपनी को बेच दिया और रेस्टोरेंट खोल लिया। एक घाटे में चलती हुई कंपनी बेच के उसके पास रेस्टोरेंट चलाने के लिए पैसा आ गया? नहीं सर, सिर्फ कंपनी नहीं बेची, जिस घर में वो रहता था वो घर भी बेच दिया और फिर 2 महीने बाद रेस्टोरेंट खोला। हाँ, तो ये पहले बताना चाहिए था ना। चल, थैंक यू। ओके सर। मम्मा, अब ये वॉक हर रोज किया करो ना। हाँ, बस टाइम ही कहाँ होता है। अरे मैं नहीं हूँ तो भी कर दिया करो, उसमें क्या है, खुद तो कर ही सकते हो ना। चलो, है ना, ठीक है, हर रोज करो, ठीक है। ओके, ओके, आओ, ओके, चलो, चलो, चलो 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 चलो। आई विल ट्राई। हाँ, यू मस्ट ट्राई, नहीं ये करना ही है। ओके, विक्रम, ओके। मम्मा, एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो, हु इज दिस? हेलो मिस्टर इंजीनियर, विक्रांत सिंघल बोल रहा हूँ। या हाँ, आप कल फ्री है? नहीं, कल मैं बहुत बिजी हूँ, टाइम ही नहीं मेरे पास, सॉरी। आपको जानकर खुशी होगी कि हम आपके बड़े भाई का केस रीओपन कर रहे हैं, बिनी इंजीनियर का, तो उसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी, कल मिल सकते हैं? या ओके, श्योर, आई विल सी यू टुमारो। या थैंक यू, सी यू देन। माफ करना सर, पर आपने अभी रोबी इंजीनियर को फोन क्यों किया? अभी 8 बजे है, तकरीबन 1-1.5 घंटे में वहां पे पहुंच ही जाएगा। तिसाई, हम दोबारा वो जंगल वाले लोकेशन पे जाएंगे, तुम वैन के साथ रेडी रहना। मैं जंगल के अंदर घुसूंगा और जैसे ही मैं फोन करूंगा तुम वैन के साथ मेरे लोकेशन पे पहुंच जाना। मैं समझा नहीं सर। अरे समझने की कोशिश भी मत करना तिसाई, वरना रात को सो नहीं पाओगे।
मैं जानता था तू इधर जरूर आएगा। 9:55 पांच मिनट है तेरे पास। मैं तो इस घर से निकल जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोकेगा। अगले 5 मिनट में अगर तूने अपना गुनाह कबूल नहीं किया तू भी जानता है तू इस घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। हाँ, मैंने ही विनी और सबको जला के मार दिया। मैं चाहता था कि इंजीनियर रिकॉर्ड्स बंद करके मैं प्रॉपर्टी बेच सकूं, बस। अरे उल्लू उल्लू क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, कितना मिस किया मैंने आपको। हाँ, आपने मिस किया कि नहीं? देसाई वैन रेडी है। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, लोकेशन पे आ जा। एक 25 साल पुराना केस री ओपन करने का वक्त आ गया है। ओके सर। और हाँ सर, वो तीनों लड़के भी मिल गए जो गायब हुए थे। अपने बेटों को खोने की आपकी मलाल को तो मैं दूर नहीं कर सकता मिसेस इंजीनियर। I'm terribly sorry for your loss. मैंने आपके लिए एक डेली नर्स का इंतजाम किया है, आपके रोज के कामकाज में उसकी मदद होगी। थैंक यू सो मच डिकरा। इट इज टेरिबल फीलिंग। जिस छोकरे को मैं पूरी लाइफ एक ईवल समझती रही वो तो इनोसेंट। और मैं जिसके साथ इतने साल रही वो एक शैतान था। आई थिंक मैं उस जगह की क्लिनसिंग कराऊंगी। मैं वहां जाकर प्रेयर करूंगी ताकि मेरे बेटे विनी की आत्मा को शांति मिल सके।